हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिंगरी भापा, यानी कि कोकोनट और मस्टर्ड पेस्ट के साथ मैं प्रॉन को, यानी कि मैं श्रिम्प को स्टीम दूंगी एक टिफिन बॉक्स के अंदर डाल के। तो ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये बन जाता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ऑफ कोकोनट। ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद ही ये 1 कप हुआ है। उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, और उसके साथ मैं 3 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा तीखा है, अगर आप चाहे तो आपके टेस्ट के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी और इसका एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। सो गाइस, ये है वो पेस्ट जो मुझे चाहिए था। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना है, कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं है, बहुत स्मूथ पेस्ट है। सो गाइस, अभी हमें चाहिए ऐसा एक टिफिन बॉक्स टिल का। तो इस बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले ये जो पेस्ट है इसे डाल दूंगी। अभी इसके साथ कुछ और चीजें ऐड करनी है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल भी आप आपके हिसाब से एक्चुअली ऐड कर सकते हहैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, क्योंकि ये जो मस्टर्ड ऑयल का एक खुशबू है ना, रॉ खुशबू, ये खुशबू ही पूरे रेसिपी को और भी ज्यादा डिलीशियस बनाएगा। तो ये सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स करना है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जितने भी मसाले लगे हुए हैं ना, तो इसे पानी के साथ धो के थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूंगी। प्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है तो इसलिए पानी भी थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काफी सारे पानी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा बाद में। और अभी इसके अंदर ये जो सारे प्रॉन है इसे मैं डाल दूंगी। और सारे प्रॉन ताकि इसके अंदर अच्छे से कवर हो जाए, इस तरह से इसे सेट करना है। पर मुझे लगता है कि सॉल्ट थोड़ा और ज्यादा चाहिए, इसमें शुगर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोकोनट का जो स्वीटनेस है उसमें ये जो रेसिपी है इसका टेस्ट आ जाएगा। वरना हर एक नॉनवेज में अगर थोड़ा सा शुगर ऐड किया जाता है तो उसका टेस्ट एनहेंस होता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़े से पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसे गर्म कर लिया, तो ये भी थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो टिफिन बॉक्स है इसके अंदर ऐसे डाल दूंगी और एक लीड से इसे कवर कर दूंगी, और ये भी 15-20 मिनट्स तक ऐसे ही पकता रहेगा। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का रेसिपी, और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। पर मैं एक चीज लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको टेस्ट करके लगता है कि इसमें कोकोनट का जो स्वीटनेस है वो थोड़ा सा कम है, तो इसमें थोड़ा सा शुगर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी में जब तक स्वीटनेस नहीं आएगा ना, तो तब तक इसका जो असली टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं और सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे चल के इस तरह के और भी कई सारे रेसिपीज मैं आपके लिए लाऊंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।